वेलकम टू द दोहाई डिपो उत्तर प्रदेश इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं, ये रैपिड रेल 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी और ये 17 किलोमीटर के पार्ट में ये चलाई जानी है। दोस्तों आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मार्च में ये साहिबाबाद से लेकर दोहाई के बीच में चलाई जाएगी दोस्तों, और इसकी जो रफ्तार होगी वो 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ने वाली है मार्च में। दोस्तों चार रैपिड रेल लाई गई हैं गुजरात के शामली से दोस्तों। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हो आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों दोहाई डिपो के। दोहाई डिपो में कितना कुछ वर्क चल रहा है और देख सकते हैं ये ट्रैक स्लैब यहां पर रखे हुए हैं और यहां से ये उठा उठा कर ले जा रहे हैं ट्रैक पे बिछाने के लिए ऊपर। और आपको बता दो दोस्तों कि ये मोदी नगर की साइड में अभी ट्रैक बिछाया जा रहा है, मुरादनगर मोदी नगर की साइड में। इधर से तो जगह ही नहीं है शायद। चलो मैं घूम के चलता हूँ, चलो आगे चल के देखते हैं जगह है या नहीं है, फिर पता चलेगा। देखो ये ट्रक ही ट्रक यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जगह नहीं छोड़ी इन्होंने बिल्कुल भी। ठीक है तो चलते हैं वापसी, उधर से आएंगे हम। देखो कुछ ये सीन है यहाँ का, सारे में ही ट्रैक स्लैब देखने के लिए मिलेंगे। और ये वाला ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और इस पर ट्रायल रन चल रहा है अभी रैपिड रेल का। तस्वीरें देख सकते हो आप सभी। देखो वहाँ पर ये ट्रक खड़ा हुआ था दोस्तों, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं दूसरी रोड पर आ चुका हूँ। तो चलते हैं, अब दिखाते हैं चल के आप सभी को के दोहाई डिपो में क्या वर्किंग चल रही है। अभी पता चलेगा दोस्तों। अभी यहाँ पर जो ट्रैक बिछाने का काम है वो किया जा रहा है तेजी के साथ में। तस्वीरें देख सकते हो आप सभी, ये देखो ये वायरिंग बिछाई जा रही है दोस्तों, वायरिंग ये देखो। और यहाँ पर सारा कुछ बन के कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो हम चलते हैं घूम। ये देखो दोस्तों ये है कुछ वर्क चल रहा है अभी तेजी के साथ में, और ये है दोहाई डिपो का स्टेशन RRTS का गाइस। तो आपको बता दें यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बन के, और उस पर ट्रैक स्लैब इसके जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं वो भी बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और देख सकते हैं स्टेयरिंग भी बना दिया जा चुका है, और इस पर जो स्टेयर का वो रूफ टॉप का काम है वो किया जाना है दोस्तों। कंपनी देख सकते हो ये लगी हुई है, देखो ये रहा, ये देखो टीम लगी हुई है यहाँ पे, और इसको ये रूफ टॉप का ही काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पे। इसके आपको बता दूं कि इस पे जो इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया गया है उस पे देख सकते हो ये रूफ टॉप का काम किया जाना है दोस्तों। और इधर JCB चल रहा है, और देखो किस तरीके से ये लगे हुए हैं, टीम NCRTC की टीम लगी हुई है तेजी के साथ में दोस्तों वर्क कर रही है, देख सकते हो आप लोग। तो यही सीन है यहाँ का, और वो स्क्रीन प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लग चुके हैं, और इस पर ये देखो पत्थर भी लगा दिए जा चुका है, स्टेयर के भी पत्थर लगा दिए जा चुके हैं। इस पर रूफ टॉप का काम किया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर। तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों, ये देखो सारे में JCB चल रहा है, और अभी आपको अंदर लेके भी चलेंगे। तो यही वर्क चल रहा है अभी NCRTC द्वारा। देखो ये स्टेयर पे भी पत्थर लगाया जा रहा है, और इसका रूफ टॉप का काम भी किया जाना अभी इस टाइम पे। और ये लगी हुई है हमारी NCRTC की टीम गाइस, जो कि बहुत तेज़ी के साथ में ये वर्क किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो ये, अब चलेंगे हम इसके अंदर और फिर आपको दिखाएंगे। देखो इधर भी ये रोड बनाया है इन्होंने,
इस तरीके से। और ये सारा नज़ारा है दोहाई डिपो का गाइस, देख सकते हो ये। अब चलते हम इसके अंदर, फिर आपको दिखाते हैं चल के कि क्या सीन है यहाँ का, और फिर पता चलेगा आप सभी को दोस्तों, ठीक है। तो इधर ये घास भी लगा रहे हैं, देखो ये घास, ये यहाँ पर ये घास भी लगाई जा रही है, और ये प्लॉट हाउस में। और इसके अंदर हम चलते हैं, और चलने पर देखो ये पत्थर का काम किया जा रहा है इस साइड में, इसके अंदर। और बाकी तो सारा कंप्लीट सा ही हो चुका है, आगे देखते हैं कितनी ट्रेनें देखने के लिए मिलती हैं, रैपिड रेल कहाँ कहाँ खड़ी हुई हैं वो अभी देखते हैं चल के। तो आप लोग बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो, और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर लो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर गाइस। तस्वीरें देख सकते हो, ये टीम लगी हुई है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी NCERT की टीम दोस्तों देखो ताप ताप के, और यहाँ पर वर्क कर रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क देख लो, कितनी मेहनत का काम है दोस्तों, क्या ही बताएं आपको, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी इस जगह पे है, जहाँ से यहाँ पर बिजली दी जाएगी वो इस जगह पे है। तो आपको बता दूं कि दोहाई के अंदर काम तो बिल्कुल कंप्लीट सा ही हो चुका है, और ट्रेनें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे खड़ी हुई हैं, और फिर पता चलेगा हमें हर जगह ही। देख सकते हो ये एक सामने खड़ी हुई है रैपिड रेल, तो एक तो ये खड़ी हुई है, अभी बीच में इसका ट्रायल हुआ था, और ट्रायल होने के बाद में दोस्तों देख सकते हो ये कुछ यहाँ पर खड़ी हुई है रैपिड रेल इस जगह पे। दोस्तों रैपिड रेल की धुलाई करने के लिए बाहर से देखो ये मशीन लगा दी जा चुकी है, सामने ही वो चमक रहा है, देखो तस्वीर कंप्लीट हो चुका है, ये लगी हुई है, देखो ये टीम लगी हुई है इधर की साइड में पूरा, आप लोग नज़ारा देखो यहाँ का। तो यही सीन है यहाँ का। तो आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लगे तो कमेंट करो, ख़राब लगे फिर भी कमेंट करो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर। तो आपको बता दूं दोस्तों यहाँ तो सारा काम बिल्कुल कंप्लीट सा ही हो चुका है, सिर्फ दोहाई डिपो के अंदर देख सकते हो आप लोग, जिधर भी आप देखोगे। और आपको बता दिए रूफ टॉप का काम किया जा रहा, जो अंडर पास बनाया गया है उसका रूफ टॉप का काम किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये सारे में ही अभी यहाँ पर ये NCERTC की टीम लगी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। तो देख सकते हो यहाँ पर सारे में ही टीम अभी वर्क करते हुए NCERTC की लगी हुई है दोस्तों, ये देख सकते हो। और ये सारे में ही गार्ड पार्ट सारे में ही ये बैठे हुए हैं, और देखो एक रैपिड रेल वो खड़ी है, और दो इसके अंदर खड़ी हुई हैं दोस्तों, इसके अंदर दो खड़ी हुई हैं रैपिड रेल। तो यहाँ से तो ये ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम चलते हैं उधर की साइड में, और फिर देखते हैं कि देखने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है दोस्तों, जब पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर की साइड में, और फिर आप लोग बताना अगर उधर से देखने के लिए मिल गया तो अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा फिर तो, बिल्कुल लास्ट तक लेके चल रहे हैं हम आप सभी को। तो यहाँ पर दोनों साइड में ये टीम लगी हुई है वर्क करते हुए कंप्लीट करने पे दोस्तों,
अभी तो इनमें तार भी लगाया जाएगा जो इसका ये है, देख सकते हो ये इसके पीछे वाला हिस्सा है सारा। तो आगे निकलने के लिए पता नहीं जगह है या नहीं है, तो यहाँ पर सारी रैपिड रेल खड़ी हुई है, सारी की सारी रैपिड रेल देखो ये खड़ी हुई है, दो तो ये रही और एक उधर खड़ी हुई है, तीन। गाइस तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ है, इधर टीम लगी हुई है वर्क कर रही है तेजी के साथ में। गाइस अभी सारे में ही यहाँ पर वर्क चल रहा है, सारे में ही देख सकते हो ये यहाँ पर खड़ी हुई है रैपिड रेल। गाइस ये देखो इधर भी काम चल रहा है, ये सारा अभी बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, ये दुबई डिपो की तस्वीरें हैं गाइस, और ये देखो यहाँ पर ये रैपिड रेल खड़ी हुई है इस साइड में, आप लोग देख सकते हो। तो यही कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है यहाँ पर तेजी के साथ में गाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इधर का भी दिखा दिया जाए, देखो रैपिड रेल के नज़ारे। और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, ये पिछले हफ्ते इस पर मंडे में इस पर रैपिड रेल चलाई गई है, तो उसी का इस पर ट्रायल किया गया था दोस्तों। देखो आप लोग कुछ ऐसी है ये रैपिड रेल यहाँ की। कुछ दिन पहले ये दोस्तों एक साथ खड़ी हुई थी चार और रैपिड रेल, दो अंदर हैं, एक ये और एक सामने खड़ी है बिल्कुल फ्रंट पे। तस्वीरें देख सकते हो आप सभी, तो मैं चल रहा हूँ आप लोगों को लेके। तो यहाँ पर ये अभी कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है इस दुबई के दुबई डिपो में गाइस। ये देखो यहाँ पर ये खड़ी हुई है और वर्क कर रहे हैं ये देखो टीम वर्क करते हुए इस जगह पे। और आप लोग बताना दोस्तों, देखो मैं इतनी मेहनत करके आप सभी के बीच में ये वीडियो लेकर आता हूँ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस करो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, जो कि केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है दोस्तों। देखो दो रैपिड रेल उधर खड़ी हुई हैं, तीन रैपिड रेल अंदर हैं, एक ये है, तीन रैपिड रेल तो यही होगी। अब यहाँ से हम चलेंगे घूम के दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारे में ही देखो इधर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है अभी इस साइड में, तो यहीं से हम चलेंगे वापसी दोस्तों। तो यही काम था यहाँ का जो मैंने आप सभी को दिखाया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंड हो जाता है और यहाँ से चलेंगे हम वापसी। तो वापसी के लिए ये देखो ये फुटओवर बनाया जा रहा है बोक में, और देख सकते हो वो रैपिड रेल खड़ी हुई है अंदर भी यार्ड के, और वैसे भी खड़ी हुई हैं। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं वापसी में और दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के पूरे दुबई डिपो के, पूरा क्लियर करके आप लोग को मैंने दिखाया है दोस्तों। दो रैपिड रेल इसके अंदर खड़ी हुई हैं साइड के, एक रैपिड रेल ये है, तीन रैपिड रेल तो यहाँ खड़ी हुई है, एक फ्रंट पे खड़ी हुई है। और दोस्तों बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, नीचे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के पी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।